ये नव संकल्प शिविर एक नई आशा, एक नई उम्मीद और एक नए कांग्रेस की जरूर नींव रखेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। यहाँ पर जिस तरह से कंसेंसस वाज मेड, जिस तरह से अलग अलग मतों को सुना गया, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, एवरीबडी वॉज हर्ड एंड एवरी वॉइस काउंटेड। देर आर अबाउट 400 women and congressmen from all across the country who are here. तो एक तरह से ये melting pot है हर तरह की ideology का। मैं economy के group से हूँ और हमने बहुत गहन चिंतन किया इस समय की economy का, किस तरह से jobs नहीं है, growth बिल्कुल लुप्त होती जा रही है और आगे का क्या रास्ता होना चाहिए और congress की core ideology क्या है, उस पर हमने गहन चिंतन किया। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को कैसे रीसेट करके आगे बढ़ाना है, ये एक मूल मुद्दे पर गहन चिंतन हुआ है इस शिविर में और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो ज़रूर पता चलेगी। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया माध्यम, दिस वॉज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल काइंड ऑफ वॉइसेज एंड व्यूज टू कम टुगेदर एंड क्रिएट वॉट रियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। वी रिप्रेजेंट एवरी इंडियन एंड वी रिप्रेजेंट एवरी आइडियोलॉजी, बट मोस्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट इंडिया।